जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एहतिशाम उमर, आपका फिज़िक्स टीचर। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है नेचर ऑफ करंट एंड करंट डेंसिटी एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये दो टॉपिक हैं, इनको हम बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ करंट है। नेचर ऑफ करंट के अंदर जो हम सबसे पहले इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है उसको देखेंगे, फिर हम जो है वो इसकी नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, किस तरह से ये किसी भी मटेरियल के अंदर से पास करती है, वो कौन सी चीज़ है जो कि इस करंट एनर्जी को या जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है इसको लेके चलती है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइटनिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कुकिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड इन फैक्ट्री एंड मच मोर, बहुत ज़्यादा कामों के अंदर जो है ये यूज़ होती है। जैसा कि ये इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मटीरियल के अंदर से पास करके जाती है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर से ये पास करके जाती है, तो हमें सबसे पहले उस सबस्टेंस का पता होना चाहिए कि जिनके अंदर से ये पास करके जाती है। तो सबस्टेंस जो है वो किसी भी मटेरियल या आप कह सकते हैं कोई भी वो मैटर है जिसके अंदर से वो चार्जेस जो है वो फ्लो करके जाते हैं। तो कोई भी सबस्टेंस जो है वो कैसे मिलके बनता है, वो सबस्टेंस छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, तो जबकि वो मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे एटम से मिलके बनते हैं। तो हमें सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर एक एटम का किस तरह से है, वो दूसरे एटम के साथ मिलके जो बांड बनाता है उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल बनते हैं और फिर मॉलिक्यूल से आगे सब्सटेंस बनता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है किसी भी सब्सटेंस के अंदर से पास होकर जाती है, तो हमें सबसे पहले एटम्स का, मॉलिक्यूल का और सब्सटेंस का स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। सब्सटेंस को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक को एलिमेंट कहते हैं और दूसरे को कंपाउंड कहते हैं। अगर तो एक ही तरह के एटम्स हो किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो उसको हम सिमिलर एटम्स वाले जो सब्सटेंस है उसको एलिमेंट बोलेंगे, और डिफरेंट किस्म के एटम से जो अगर कोई सब्सटेंस मिलके बना है तो उसको कंपाउंड बोलेंगे। और ये हमारे पास जो है वो इसकी दो टाइप्स हैं। और यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक एटम जो है वो किस तरह से मिलके बनता है, एक एटम जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसके सेंटर के ऊपर जो एक डेंस मैटर पड़ा होता है, एक डेंस एक बहुत ही हार्ड जो है वो मैटर पड़ा होता है जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन जो है वो और प्रोटॉन का मैस ऑलमोस्ट सेम होता है, और इनका अगर हम चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.602×10⁻¹⁹ कोलम है, जबकि इस न्यूक्लियस के आउट साइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के आउट साइड जो सारा का सारा जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने शेल्स में, अपने मतैरा मदार्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मैस कदरे बहुत ही स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, और इसके ऊपर जो मौजूद चार्ज होता है उसकी वैल्यू 1.602×10⁻¹⁹ कोलम है। और द मास ऑफ ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज 1840 टाइम्स द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1840 टाइम जो है वो मैस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। और अगर हम यहाँ पे बात करें मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो अगर न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हों तो उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने और करंट को लेके जाने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप यहाँ पे इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखें यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे इसको नाम दिया हुआ है, और ये इसके अराउंड ऑर्बिट जो है वो ऑर्बिट हैं जिसको ऑर्बिट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, जिनके अंदर
जो रिवॉल्व करते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो जितने इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही इसके बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी एक न्यूट्रल एटम की बात की जाए तो जितने इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मतलब इसके ऊपर जितना इसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके बाहर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जैसे कि पहले लेक्चर में ये बताया जा चुका है कि जो चार्जेस हैं इनको हम ऐड अप कर सकते हैं, और अगर हम इस पूरे एटम के टोटल चार्ज को देखें तो जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ऐड करें तो जीरो आता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये एटम जो है वो न्यूट्रल है, किसी एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हो, जिनको लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं करंट को लेकर जाने के लिए। अगर हम इनको एक्सटर्नली किसी भी मैटर्स को अगर हम एक्सटर्नली कोई पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं, तो एक एंड जो है वो उस कंडक्टर का एक एंड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच होता है, एक नेगेटिव के साथ अटैच होता है। जो पॉजिटिव के साथ अटैच होता है उस एंड के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव के साथ जो बैटरी के साथ अटैच होता है उसके ऊपर एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिर उसके ऊपर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से जिन मेटल्स के अंदर से, जिन मटेरियल के अंदर से करंट फ्लो कर जाता है उनको कंडक्टर बोलते हैं, और जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता उनको हम जो है वो इंसुलेटर बोलते हैं। कुछ ऐसे सेमी इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर मटेरियल्स हैं जिनके अंदर कोई लूजली बॉन्डेड बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और उनके अंदर से स्मॉल अमाउंट में करंट पास कर जाता है, उनको सेमी कंडक्टर या सेमी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हर एटम्स का ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे ये एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन है, हर एक का फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही हम यहाँ पे एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर दें और दूसरे इस एंड पे पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, तो एक पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर किसके पास आ जाएंगे, इसका यहाँ पे आ जाएगा, इसके पास इसका आगे चला जाएगा। तो इस तरह से ये एक एटम टू एटम ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, जितने एटम इस साइड से निकलते हैं उतने ही एटम इस साइड से एंटर हो जाते हैं। तो टोटल जो इसके ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम न्यूट्रल्स कह सकते हैं। वक्ती तौर पर एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसकी वजह से ये चार्जेस आगे मूव करके जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को इग्नोर करके रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, तो हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि सिल्वर है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक के ETC वगैरह बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, जिनके अंदर अगर हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो इसका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है वो चार्जेस मूव कर सकते हैं। और कुछ ऐसे इंसुलेटर हैं जैसे कि ग्लास है, रबड़ है, और उसके अलावा प्लास्टिक वगैरह प्लास्टिक है, इनके अंदर से जो है वो चार्ज कैरियर इनके अंदर मौजूद नहीं होते और यहाँ से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से करंट फ्लो कर जाता है इसको हम जो है कंडक्टर भी कहते हैं और इसको मेटल्स भी कहते हैं। तो मेटालिक के मटेरियल के अंदर से करंट पास कर जाता है जबकि नॉन मेटालिक के अंदर से करंट पास नहीं करता। और जो नॉन मेटालिक मटेरियल है जिसमें ग्लास आता है, माइका आता है, स्लेट आती है, और इस तरह से ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर से करंट पास नहीं करता, क्योंकि इनके अंदर हार्डली फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बहुत ही कम जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस वजह से इनके अंदर से करंट पास नहीं होता। ये हमारा जो पहला टॉपिक था जो कि नेचर ऑफ द करंट था। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं करंट डेंसिटी क्या है, और इसी को लेके हम चलेंगे आगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली करंट डेंसिटी को ही हमारे पास एक्सप्लेन कर रही है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम यहाँ पे करंट डेंसिटी और जो चार्ज डेंसिटी है इन दोनों का आपस में रिलेशन को हम जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेट अस कंसीडर हुई है वह मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम, और इसके अंदर से जो चार्ज कैरियर है उसको हमने लिया हुआ सिर्फ एक वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज कैरियर लिया हुआ, ये आप देख सकते हैं ये क्यू पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। और नेक्स्ट नंबर ऑफ दीज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम विल बी नोटेड एज कैपिटल एन, ये जो कैपिटल एन है ये नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट जो है वो हमारे पास
वॉल्यूम आ जाता है, मतलब किसी भी अगर वॉल्यूम के अंदर बात करें तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तब हमारे पास जो रेशो आती है उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो एक हमारे पास जो भी वॉल्यूम है कैपिटल वी है, अगर हम वहाँ पे रैंडम थर्मल इमोशन को इग्नोर कर देते हैं और वहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो चार्ज कैरियर जिस स्पीड के साथ मूव करेंगे उसकी स्पीड या वेलोसिटी उसकी वी है, और यहाँ पे हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया डी ए है जिसको हम यहाँ पे लेके एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक मटेरियल है जिसके अंदर से चार्ज कैरियर मूव करते हैं। यहाँ पे हमने, चूँकि मैंने कहा कि दो तरह से जो है वो होता है कि एक एटम्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं या न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव जो चार्ज आता है तो उनको आयंस पॉजिटिव आयन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बेसिकली जो करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है, लेकिन हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है। तो यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, शुरू में ही हमने लेट कर लिया था, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फ्लो करें। ये ऊपर हमारे पास वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर, ये वी वेलोसिटी से मूव करते हैं, और डेल्टा टी जो हमारे पास स्मॉलेस्ट टाइम है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे पास वेलोसिटी और टाइम की जो प्रोडक्ट है इसको डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मूव करके आता है वी वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम में, तो कितना ये डिस्टेंस कवर करता है, ये बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस की टर्म है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको ए से डिनोट करते हैं, और क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास एन यूनिट वेक्टर है, और डी ए यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके वॉल्यूम को एक्सप्लेन करें तो हमारे पास वी इंटू डेल्टा टी आता है, बेसिकली डिस्टेंस आता है, और इसको एन हमारे पास जो है वो यूनिट वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक वॉल्यूम आता है। और करंट की अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन करते हैं, अगर हमारे इस स्मॉल से जो वॉल्यूम है इसके अंदर से जो करंट फ्लो करता है उसको हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट करंट डी आई बोलेंगे, और ये हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट बोलते हैं। तो ये ऊपर चेंज ऑफ करंट है जिसको पार्शियल क्यू भी बोल सकते हैं, जिसको चेंज ऑफ करंट है ये पार्शियल टी टाइम है। तो इतने टाइम के अंदर से इतना जो चार्ज फ्लो करता है किसी वॉल्यूम के अंदर उसको हम यहाँ पे करंट फ्लो करंट कहते हैं। तो ये जो पार्शियल करंट है ये इक्वल होता है क्यू, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, कैपिटल एन हमारे पास जो ये नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, जबकि वी वेलोसिटी है, ये एन हमारे पास एरिया का यूनिट वेक्टर है, और ये डेल्टा एस हमारे पास जो है वो उसका स्मॉलेस्ट टाइम है। तो ये चेंज ऑफ करंट की जगह पे ये सारी टर्म आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और नीचे डेल्टा टी ऐसे आ जाता है, डेल्टा टी ऊपर एक डेल्टा टी से कट जाएगा, तो हमारे पास जो डी आई है वो एन क्यू वी डॉट एन इंटू डी ए के इक्वल आ जाता है। अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं है बल्कि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर भी हैं, तो तब हम जो है वो इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख के आई यहाँ पे लिख सकते हैं, एन आई क्यू आई और वी आई। यहाँ पे आई जो है वो इसकी वैल्यू वन कह सकते हैं, टू कह सकते हैं, वन कहेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा उसके एक टाइप ऑफ चार्ज आ जाएगा, अगर ट्यू टू कहेंगे तो हमारे पास दूसरी किस्म का जो है वो चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे इस वजह से इसको जनरलाइज कर दिया। ये जो हमारे पास टर्म आ रही है ये सारी टर्म, इसको अगर हम देखें तो ये एक वैक्टर क्वान्टिटी है, ये वी वेलोसिटी है, क्यू चार्ज है, एन नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट। तो ये क्यू और एन हमारे पास अगर स्केलर क्वान्टिटी है, वी वेलोसिटी है, तो अगर स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ब्रैकेट में आने वाली सारी ये समीशन वाली टर्म जो है वेक्टर है, और इसकी डायमेंशन जो होती है वो हमारे पास करंट पर यूनिट एरिया है। अगर हम इस ब्रैकेट की डायमेंशन को देखें तो ये करंट पर यूनिट एरिया है, और करंट पर यूनिट एरिया बेसिकली जो है इसको हम करंट डेंसिटी का नाम देते हैं, और करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, और इस सारी ब्रैकेट को यहाँ पर देख लें करंट डेंसिटी जे के साथ डिनोट किया हुआ है, और इसकी वैल्यू को अगर उठा के आप यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट 7.3 इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाती है, डी आई इज इक्वल टू जे डॉट एन इंटू डी ए आ जाता है। ये हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट करंट आ जाता है, जब भी हम किसी भी कंडक्टर को उसके साथ कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल के साथ तो उसके अंदर से जो करंट फ्लो होता है वो स्मॉलेस्ट करंट यहाँ पर है, और इसकी करंट डेंसिटी हमारे पास ये है। जबकि ये जो
हमारे पास करंट डेंसिटी है, इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है हमारे पास करंट पर यूनिट एरिया आती है, इस वजह से करंट का यूनिट एम्पेयर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो ये एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर इसकी डेंसिटी आ जाती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इसको मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर हम करें, तो अगर हम यहाँ पे लेट करें कि हमारे पास एक सरफेस एरिया है, उसकी शेप कोई सरफेस टाइप है और उसके अंदर से जो करंट पास करता है, तो उसको मोस्ट जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ले लें, ये जो पीछे आने वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेशन लें और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू हम सरफेस इंटीग्रल लें, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाता है। और ये जो सरफेस इंटीग्रल है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको हम मज़ीद जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें द करंट डेंसिटी जे, जे इज़ अ करंट डेंसिटी, इसको हम नोट कर लें, ये जो जे है हमारे पास विच इज़ अ करंट डेंसिटी, ये सारा हमारे पास आ जाता है, ये करंट डेंसिटी है, जबकि ये जो चार डेंसिटी है इसको रो से डिनोट करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और डिपेंड करने की वजह से इनके दरमियान जो रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को हम यहाँ पे अब देख सकते हैं, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इसको नाम देते हैं, और यही इसी रिलेशन को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का हम नाम देते हैं। इस इक्वेशन को मज़ीद आप यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ डिनोट कर सकते हैं, नेगेटिव साइन जो है वो आगे जाके लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ नेगेटिव साइन बेसिकली क्या बताता है। इस इक्वेशन को एज इट लिखा हुआ है, इस इक्वेशन के ऊपर अगर हम यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली ऐसा थ्योरम है जो कि सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देता है वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल कर देता है, तो ये जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आता है इसका साथ क्या आ जाता है, ये डाइवर्जेंस आ जाता है, और साथ ये जो सरफेस इंटीग्रल है डी ए या डी एस कह सकते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है द माइनस साइन इन इक्वेशन 7.6 कम अबाउट बिकॉज एन इज आउटवर्ड नॉर्मल एंड वी विश टू कॉल आई पॉजिटिव। अब यहाँ पे कह रहे हैं एन इज अ डायरेक्शन ऑफ आ, जो कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, जो कि डायरेक्शन हमें बताता है, जो कि हमें डायरेक्शन की काम पे बताता है एरिया की, और वो कह रहा है अगर हम यहाँ पे करंट को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो देन हमें यहाँ पे टोटल जो उसका जो चार्ज डेंसिटी आ रही है उसको हम यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव है इसके बारे में बताया हुआ है कि ये जो एन है इसकी डायरेक्शन, जब भी किसी कंडक्टर की बात करें तो एन की डायरेक्शन आउटवर्ड है, जबकि ये जो करंट पास करता है ये उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली पास करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक इक्वेशन है, इसमें अगर चार्ज लेफ्ट से राइटवर्ड लेट अस कंसीडर पास कर रहे हैं, तो ये जो एन है इसकी डायरेक्शन बिल्कुल आउटवर्ड द वाइट पेपर या आउटवर्ड द पीपीटीज, ये बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन आ रही है, तो करंट को पॉजिटिव करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ता है। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट की एक और डेफिनेशन हम कर सकते हैं, ये डी क्यू ओवर डी टी के इक्वल है। अब हम यहाँ पे जो करंट डेंसिटी थी उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया, अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन है, ये आ जाती है, ये क्यू हमारे पास चार्ज है, इसको हम यहाँ पे इन द टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं, जो कि इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू डी वी आता है, तो ये क्यू की जगह पे हमने ये वैल्यू लिखी। अब इस सारी वैल्यू को, ये डेरिवेटिव है, अगर हम इसका लिमिटिंग केस ले लेते हैं जिसमें टाइम अप्रोचेस टू जीरो है, तो ये जो डेरिवेटिव है ये कन्वर्ट हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव में, तो एज इट आप देख लें ये पार्शियल डेरिवेटिव इसके इनसाइड आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास करंट की एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारे पास ये करंट की इक्वेशन आई है, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी सेम होगी, 7.6 इक्वेशन और यहाँ से 7.7b इक्वेशन, दोनों को कंपेयर करने से और कंपेयर करने के बाद ये दोनों एक दूसरे की इक्वल हो जाएंगी, इक्वालिटी से उठा के आप इसको दूसरी साइड पे लेके आए तो दोनों टर्म जो है जो नेगेटिव होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को, ये जो डी वी है इसको बाहर लें, बाद में यहाँ पे आप जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सिंपली मोस्ट सिंपली फॉर्म में हमारे पास पार्शल रो ओवर पार्शल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो रो है, ये जो रो है हमारे पास ये चार डेंसिटी है, जबकि जे हमारे पास
करंट डेंसिटी को शो करती है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हेंस द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज दिस। तो ये हमारे पास यहाँ पे ड्राइव हो गया। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपना व्हाट्सएप भी नंबर दिया था, वहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप वहाँ पे वॉइस मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।